Good morning, class. Good morning, ma'am. बच्चों, आज हम आपसे कुछ प्रश्न और कोई भी सामूहिक उत्तर नहीं देगा। जिसको उत्तर आता है वो हाथ खड़ा करके उत्तर देगा। बच्चों, ये बताइए कि हम जब बहुत ज्यादा कार्य करते हैं, कोई कार्य करते हैं जैसे दौड़ते हैं या भागते हैं बहुत ज्यादा, तो हमें कैसा अनुभव होता है, किस चीज का अनुभव होता है जब हम बहुत ज्यादा दौड़ते भागते हैं? शाबाश, चाहिए हमें थकान का अनुभव होता है। कोई ये बता सकता है कि हमको थकान का अनुभव क्यों होता है? कमजोरी के कारण, कमजोरी या इसको अगर हम ऊर्जा क्या है? बच्चों, आज हम ऊर्जा और उसके प्रकार के बारे में
ऊर्जा बहुत अच्छी है, उस पानी में स्थितित ऊर्जा होती है। और जब हम कभी वो पानी अगर हम उसमें कुछ छेद हो जाए या उसकी दीवार टूट जाए बांध की, तो पानी क्या होगा, पानी का क्या होगा, पानी तेजी से बहने लगेगा। मगर वो जो पानी स्टोर है, जो पानी इकट्ठा है, उसके अंदर एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके कारण वो उस बांध में छेद होने से वो तेजी से बहने लगता है, उसे स्थितित ऊर्जा कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है MgH। M होता है मास, G होता है ग्रेविटी और H होता है हाइट। हाइट मतलब ऊंचाई, जिस ऊंचाई से वो पानी गिर रहा है। ठीक है, अगर आप फिर से चार्ट को देखिए तो यहाँ पे दूसरे प्रकार की ऊर्जा कौन सी दिख रही है आपको, ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। दो प्रकार की है।
अपने शब्दों में आप लोग सोच के जितना मैंने पढ़ाया।